बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुणाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो है इस्लामिक यूट्यूब चैनल से और वीडियो का टॉपिक है भाई से विरासत में हिस्सा मांगना कैसा है। तो भाई से विरासत में हिस्सा मांगना कैसा है? मेरे हिसाब से तो जायज़ है, क्योंकि अगर आपका हिस्सा है, विरासत में हिस्सा है, तो मांगना चाहिए। और भाई का भी फ़र्ज बनता है कि अगर उसके छोटे भाई का हिस्सा है या बड़े भाई का भी हिस्सा है तो उसे देना चाहिए। तो कोई ऐसा भी नहीं, आजकल क्या हो रहा है, आजकल सारे हड़पना चाह रहे हैं। ऐसे आजकल भाई हैं कि वो हड़पना चाहते हैं कि जो है हम ही हड़प लें, दूसरे को दे ही ना। तो जो जिसका हिस्सा है उसको देना चाहिए अगर खुश रहना है लाइफ में, क्योंकि कोई देख ना देखे अल्लाह ज़रूर देख रहा है। किसी को आप धोखा दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, बट इस दुनिया में तो दे दोगे, बट उस दुनिया का क्या, जहाँ से अल्लाह देख रहा है उसका क्या? तो उसकी तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी अगर ऐसा गलत काम करोगे तो। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो है, आप चाहो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई की अनकरीब शादी है, लड़की वालों की तरफ से जो बारात होती है इसमें मखलूत माहौल नाच गाने में मैंने वालदैन के ज़रिए इनको पैगाम दिया कि मैं शिरकत नहीं करूँगा, लेकिन वो राज़ी नहीं। अब क्या करें, जबकि भाई वालदैन के नाराज़ होने का भी ख़तरा है। भाई वालदैन को चाहिए कि जैसे आपका भाई और वालदैन से रिश्ता है तो भाई और वालदैन का आपसे भी रिश्ता है। तो आप रिश्तेदारी जोड़ने के लिए गुनाह में शिरकत करें ये जायज़ नहीं है। उनको चाहिए रिश्तेदारी जोड़ने के लिए गुनाह का बायकॉट कर दें। अल्लाह के लिए नहीं कर रहे तो अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए कर लें कि यार मेरा भाई नहीं आएगा शादी में, तो इसलिए मैं मखलूत माहौल और गाना बजाना नहीं चाहता। हमारे यहाँ सादगी से शादी होगी ताकि मेरा भाई भी उस शादी में आ जाए। तो अगर वो ये काम नहीं करते तो फिर मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं किया जाता। मैंने इससे पहले एक पर्ची भेजी थी लेकिन आपका बयान नशर नहीं हुआ। मेरे वालदैन दोनों फौत हो चुके हैं, हम तीन बहनें और चार भाई हैं। हम चार भाइयों से अपना अपना हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि हम बहनें भाइयों से खुश नहीं हैं। ये बहनों ने लिखा है कि हम अपने भाइयों से विरासत का हिस्सा लेना चाहते हैं क्योंकि हम पठान लोग हैं। तो आप तो गन पॉइंट पे लो अपना हिस्सा, बंदूक लेके जाओ, भाई से बोलो हिस्सा दे। बोले ये कौन सा तरीका? बोले हम पठान हैं, हमारा यही स्टाइल है, ठीक है ना? तो आप तो जबरदस्ती लो भाई, तो ले हिस्सा, वो भाइयों से खुश हो तो भी ले। ये सिर्फ पठानों की बात नहीं है, हर कौम में बहनों को हिस्सा दिया ही नहीं जाता। मैं तो गया हूँ ना पंजाब के देहातों में, गया हूँ वहां भी पी जाते हैं, कराची में भी बहुत सी जगहों पर पी जाते हैं। तो ये कौम, हर कौम में ये बीमारी है क्योंकि बहन कमजोर होती है और देते हुए जान निकल रही होती है आदमी की। और पता ही है ना, मेरे खिलाफ केस करेगी, खुद ही बदनाम होगी कि भाई को अदालत में ला रही है। और अक्सर घर में रहने वाली औरतों को अदालतों का, वकीलों का पता भी नहीं होता। उनको तो ये नहीं पता कि भाई पिज्जा कैसे मंगवाने ऑनलाइन हमने, तो वो वकील कैसे मंगवाएगी बेचारी, ठीक है ना? उसको ये नहीं पता होता कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है। तो घरेलू लड़कियां होती हैं तो उनको वकील का अदालत का क्या पता। तो अल्लाह देख रहा है सब कुछ, वो क़यामत के दिन इंतकाम लेगा। अल्लाह ने कहा है कि हर एक का हिस्सा बयान किया, अल्लाह ने बता दिया कुरान में लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैन, बहन का आधा भाई का दुगना, तो बहन का वो आधा देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मांगे बगैर दिया करो, और अगर नहीं दे रहे तो बहन ले सकती है, बिल्कुल अदालत भी जा सकती है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसमें अगर भाई ये कहता है ना कि रिश्ते को ख़राब कर रही हो तो भाई को गुनाह मिलेगा कि तू विरासत ना दे के रिश्ता ख़राब कर रहा है। भाई वो विरासत मांग के रिश्तेदारी नहीं तोड़ रही, तुम ना जो जुल्म कर रहा होता है उसकी तरफ निस्बत की जाती है बुराई की। आप किसी से अपना हक मांग रहे हैं, दोस्त है यार मेरे, तूने 1,00,000 रुपए कर्जा लिया था वापस कर, वो कह रहे तुम्हें दोस्ती का ख्याल नहीं है। वो तू मेरे पैसे पी गया, तुझे दोस्ती का ख्याल नहीं है, मैं मांग रहा हूँ तो दोस्ती के ख्याल के ताने दे रहा है, उल्टा चल रहा है ना मामला। मैं अक्सर कहता हूँ ना, अक्सर औरतें कहती हैं आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। बास खवातीन ये कहती हैं कि ये घर किसके नाम कर दें? मेरे नाम। आप कहते हो भाई अच्छा वाला मेरे नाम है, तुम भी रहो इसमें, मैं तुम्हें निकाल थोड़ी रहा हूं। तो कहती हैं आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? आप मुझ पे इत्मीनान नहीं है, एतमाद नहीं है? तो बेचारा मर्द डर जाता है, यार मोहब्बत तो है, इत्मीनान भी है, एतमाद भी है, कोई भाग नहीं रही, चलो मैं तुम्हारे नाम कर दूं।
तो जब बेगम ये कहा करे ये घर मेरे नाम कर दें और जवाब में कहे आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो आपको बहुत मोहब्बत है और तुम्हें भी मोहब्बत है, लिहाजा पहले तुम्हें जो अब्बा से मिलने वाला है ना, वो पहले से वसीयत मेरे नाम लिख दो। चूंकि मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत है, लिहाजा मुझे जो अपने अब्बा से वो फलां प्लॉट मिला है वो आज से किसके नाम, क्या ख्याल है भाई, मेरे नाम। तो मोहब्बत में जो पहले दावा करता है ना, उसका हक है कि पहले वो मोहब्बत को साबित करो। तो जो आई लव यू पहले बोलेगा वो फंसेगा, हकीकत है। और जब आई लव यू बोला जाता है तो कुछ लिया नहीं जाता, दिया जाता है। जो बोलेगा तो बेगम कहती है मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। आप उसे को मैंने मान लिया कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हें झूठा नहीं समझता, कसम उठाने की भी जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल सच कहा है, और इसे साबित करने के लिए अपना प्लॉट मेरे नाम कर दो या अपना जेवर ये मुझे पकड़ा दो। अजीब सेटअप चल रहा है यार, और अब तो कयामत करीब है ना, उल्टे हो रहे हैं मामलात। तो ऐसे केसेस आ रहे हैं, बीवी कमा रही है, प्रॉपर्टी भी बीवी की, मियां घर दामाद पल रहा है बेगम के खर्चों पे। अब तो सेटअप ये चल रहा है मार्केट में, कभी कभार तो पहले भी होता था लेकिन अब ज्यादातर यही शुरू हो गया है। अब मियां ये कहा करेगा बेगम से कि अपनी प्लॉट मेरे नाम से खरीदो, उल्टा चलेगा मामला। मैं एक तालिब इल्म हूं और लंबे अरसे से भाई ये हया के खिलाफ मसाइल, ऐसे ना पूछा करें भाई। इस बीमारी का इलाज ये है कि आप जब भी बीमार ये हुआ करें आप रोजे रखा करें, डॉक्टर को भी बताएं, कोई जो नफसियाती डॉक्टर भी इसका इलाज करते हैं इस बीमारी का, और किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करें अपना। मेरा मसला ये कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैंने अपनी बेगम को शादी के 2 साल वक्फे से 2 तलाक दी थी, कि कहा था मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर हमने रुजू कर लिया था। अभी मैं अपनी बेगम को इनके वालदेन के घर भेजना चाहता था क्योंकि वो प्रेगनेंसी में थी, बेगम जाना नहीं चाहती थी। इस बहस में मैंने 3 से 4 बार ये कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर मेरी मिनियत इस मरतबा 3री तलाक देकर घर ख़त्म करने की नहीं थी। तो क्या 3री तलाक हो गई? अगर हो गई है तो इसका कोई कफारा है? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तो मुस्तकबिल का भी है, आई एम गोइंग टू डू दिस होता है ना, मैं ये कर रहा हूँ यानी करने वाला हूँ, और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो दिया के लफ्ज़ से तो कोई यानी पूछा जाएगा छोड़ने से आपकी मुराद क्या थी, बज़ाहिर तो यही है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया से तलाक ही मुराद होती है हमारे बोर्फ में, लेकिन छोड़ रहा हूँ उसे अगर आपकी नीयत नहीं थी तो नहीं हुई है तलाक। बाकी कोई 3री तलाक दे दे तो कोई कफारा नहीं है उसका, तलाक में रिवर्स गेयर है ही नहीं। एक साहब ने 3 तलाकें दी और कहने लगे मैं 100 बकरे काटने को तैयार हूँ अगर कफारे में हो जाए, तो नहीं होता कफारा। तो ये लफ्जी जबान से ना निकालो, और फजूल बात है यार घर भेज रहे हो, और तलाक तो खानदान को बिठा के सोच समझ के पूरे मशवरों के बाद दी जाती है। हाँ, मजाक थोड़ी ना है, खेल थोड़ी ना कि मजाक में तलाक बोल दो, और उसके तो, बाद रिवर्स भी कर लो। ऐसे काफी लोग हैं जो पछताते हैं ऐसे में, जोश जोश में बोल देते हैं या अपना शेकी के लिए, और बाद में फिर बंदा वो पछताता है कि भाई मैंने ये क्या ही कर दिया, क्या कर दिया। वैसे कितने सारे मुफ्तियों के पास ऐसे लोग आते हैं जो अपना लिखते हैं कि हमने ऐसा दे दिया, वो उस बंदे ने बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ या छोड़ने जा रहा हूँ, वो बच गया। उसके बाद फिर उसको वो हो गया यार, मैंने इतने बार बोल दिया, ये तलाक ना हो गया हो। तो उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ने बता दिया कि छोड़ दिया हूँ, छोड़ रहा हूँ या छोड़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ है तो इस केस में नहीं हुआ, बट उसकी मुराद वो नहीं थी, उसकी इंटेंशनल वो नहीं थी। तो हमें ये वर्ड की पावर समझनी चाहिए और सही से यूज करना चाहिए ये। हाँ बिल्कुल, अगर 3 बार बोलने से ही तलाक हो जानी चाहिए, हो जाती है, तो इसके बारे में तो बहुत सोच समझ के चीजें बोलनी चाहिए। एक बार भी नहीं बोलना चाहिए, एक बार बोल दिया तो फिर वो 2-3 में टाइम ही लगता है। हाँ, उसी टाइम तो पहला ही नहीं आना चाहिए, वो है कि पहला ही रोक दो, पहला ही नहीं आना चाहिए, अदरवाइज फिर दुनिया, आप मुफ्ती भी कह रहे थे अगर आपने एक दे दिया तो दुनिया अपने आप दूसरा तीसरा अपने आप करवा देगी दुनिया, आपने एक ही नहीं देना। तो बस इसी पे ध्यान रखना है, बकरे काटो या 100 ऊंट काटो, फिर कुछ नहीं हो सकता ना, कोई रिवर्स गियर कह रहे कि नहीं है उस पे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और भाई से था कि भाई से विरासत, और वो बहनें बोल रही थी हाँ कि भाई से विरासत, तो उसका आंसर ये है उत्तर ने जो बताया कि हाँ भाई से विरासत मांगी जा सकती है और मांगनी भी चाहिए।
मांगी जा सकती है और मांगनी भी चाहिए। इवन ये बताता हूँ कि ऐसे ऐसे जगह पर ऐसे ऐसे लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, वो बेचारी ना वो उस चक्कर में नहीं पड़ती कि हम कहाँ कोर्ट का चले का चक्कर लगाएंगे, हमें पता भी नहीं इस बारे में ये वो। आदत तो लोग शर्म के मारे नहीं करते केस, भाई वकील करना पड़ता है और वकीलों से इंटरेक्शन रखनी है, ये है वो है, बहुत सी झंझट होता है, कुछ ईजी नहीं होते कोर्ट के काम, वकीलों के काम। बट जब जो बिल्कुल घरेलू औरतें होती हैं उनको तो वैसे ही इन चक्रों में पड़ने में बहुत डर लगता है। या तो कोई साथ में हो, साथ देने वाला तो बात अलग है, अगर अकेले हैं फिर थोड़ा दिक्कत है। बट उसके लिए भाइयों को होना चाहिए कि हम अपनी बहनों को हिस्सा दे दें, हाँ। अपने में से हिस्सा दे दें, उनको खुद से होना चाहिए ये चीज़। बिल्कुल। तो ये थी वीडियो आज की इस्लामिक यूट्यूब चैनल से, भाई से विरासत मांगना कैसा है। सही है। तो चलते हैं गाइज, कर दीजिएगा आप इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।